बिहार में चुनावी शोर थम चुका है। थर्ड फेज के लिए जो चुनावी प्रचार था वो आज अंतिम दिन था और अंतिम घंटे तक हर राजनीतिक दल, हर पार्टी, हर कैंडिडेट ने जी जान से पूरा प्रचार किया और अपनी उपलब्धियां गिनाई। साथ ही वो उनको क्यों वोट दे, मतदाता उनको क्यों वोट दे, इस चीज के बारे में सबको बताया। लेकिन अब बारी मतदाता की है, अब बारी 7 तारीख की है और 7 तारीख को ये अब तय हो जाएगा कि आखिर सीमांचल एरिया चाहता क्या है। आपको बता दें कि सीमांचल के जो 15 जिले हैं उसमें 1207 कैंडिडेटों की किस्मत 7 तारीख को कैद हो जाएगी और साथ ही जो सीमांचल का जो एरिया है इसमें आरजेडी की एक अच्छी पकड़ है। लेकिन इस बार बीजेपी नीतीश कुमार के साथ मिलके बहुत अच्छा दाव चमका रही है। आपको बता दे इस वक्त हम 22वीं विधानसभा में हैं, तो 22वीं विधानसभा से हाजी अब्बू मौजूदा विधायक है जो अभी आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही यहां पर एमआईएम का भी काफी दबदबा है। जो किशनगंज की सीट आती है उस किशनगंज की सीट पे वो एक अच्छी पकड़ रखते हैं, एक अच्छी मजबूती को दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। उनकी आज रैलियां भी इस इलाके में उनकी रैलियां भी थी। लेकिन अब मतदाताओं का जोर है, मतदाताओं का शोर है और घर घर प्रचार करने के लिए अब जो समय दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से वो अब खत्म हो चुका है। ये चुनाव इस बार इसलिए खास है क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये पहला चुनाव है, कोरोना के बाद ये पहला चुनाव है, क्योंकि मुद्दा रोजगार भी होगा, मुद्दा घर वापसी भी होगा और मुद्दा जो लोग बिहार दिल्ली से बाहर रहते हैं उनके साथ कोरोना में किस तरीके से व्यवहार हुआ उसका भी होगा। तो देखते हैं 7 तारीख को जब ईवीएम में इनकी किस्मत कैद हो जाएगी तो 10 तारीख को किसके घर दिवाली मनेगी। कैमरामैन राजेश के साथ प्रदीप कुमार, बिहार।